धनबाद के BCCL बरोरा एरिया वन अंतर्गत मंदरा में संचलित राम अवतार खेमका आउटसोर्सिंग कंपनी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष JMM कारू यादव समर्थक है तथा दूसरा पक्ष विधायक डुलू महतो का समर्थक है। बुधवार सुबह विधायक समर्थक मंदरा पहुंच आउटसोर्सिंग का कार्य रोकने पहुंच गए, जिसके बाद कारू यादव समर्थक कर्मियों की विधायक समर्थक कर्मियों के साथ जमकर मारपीट हो गई। सूचना पाकर बरोरा पुलिस मौके पर पहुंची, मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, साथ ही एक बाइक को जब्त कर थाने ले आई। घटना के बाद पुलिस क्षेत्र में छापेमारी कर दो अन्य लोगों को भी हिरासत कर थाने लेकर आई है। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस क्षेत्र में गश्त कर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पुलिस की सख्ती के बाद शांति कायम है। घटना की जानकारी पाकर बागमारा SDPO निशा मुर्मू बरोरा थाना पहुंची, मामले की जानकारी थाना प्रभारी से ली। इधर घटना के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक थाने पहुंचकर लिखित शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं। मामले को लेकर बरोरा थाना पहुंची SDOP निशा मुर्मू ने कहा है कि राम अवतार आउटसोर्सिंग में विधायक डुलू महतो तथा दूसरे पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, दो बाइक भी जब्त की गई हैं। लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश है, जिसके कारण ये मारपीट हुई है। बरोरा स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, जिसमें कि इस क्षेत्र के लोग काम करते हैं, जिसमें कुछ विधायक के भी समर्थक हैं और कुछ उसके ऑपोजिशन के भी समर्थक हैं। तो उन्हीं में आपस में काम को लेकर के थोड़ी झड़प हो गई और मारपीट की भी घटना हुई है, जिस पर हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से लोगों को हटा दिया है और जो आगे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुछ लोगों की हिरासत को भी सूचना देंगे? घटना स्थल से हम लोगों ने एक दो लोगों को उठाया हुआ है, तो उनको वेरीफाई किया जाएगा और जिस तरह से ये लोग FIR देंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विधि व्यवस्था को लेकर काम कर रही है, फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस नजर बनाए हुए है। धनबाद से अमित सिन्हा की रिपोर्ट।